8 किलो 600 ग्राम वेट तोड़ के दिखा सके। इसने पब्लिकली खुद ही डाला है ना, मैंने तो नहीं डाला। 3 दिन में 8 किलो 600 ग्राम तोड़ के दिखा दो, तुम किसी को 50,000 रुपए भी दे दोगे ना कि भाई हमारा वेट तोड़वा दे, वो मना कर देगा। आखिरी टाइम पे इनने मेरे से बोला, भैया कैसे भी करके हमारा वेट तोड़वा दो, हमें कम्पीट करना है। भाई मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं था, मेरे पे तेरा नंबर तक नहीं था। चिंगा चिंगा चिंगा, तेरे को लग रहा है तेरे पास 20 मिलियन फॉलोअर है, वो कमेंट करेंगे मेरे को कुछ होगा? तू 50 लोगों को 2020 के बंदों को उठा उठा के लाएगा, जिन्होंने सारा मैटर होने के 2 महीने 2 साल और 9 महीने बाद मेरे पे केस ठोका था। सारी चैट कल उस भाई की भी डालूंगा मैं, उसको नहीं खींचने वाला बीच में, मेरे को ये चीज बढ़ानी ही नहीं है। तेरे खिलाफ कितने लोगों ने कितना कुछ मेरे को भेजा, भाई तेरी लाइफ है, हो सकता है तेरे से 4 साल पहले कुछ चीज हुई हो जो अब शॉर्ट हो गई हो। मेरे आज से 5 साल 4 साल 3 साल पहले बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिनसे मैं एग्रेसिव वे में बात कर लेता था, मैं निकाल देता था। बहुत है यार, अगर एक कोच 100 लोग को ट्रेन कर रहा है, 50 लोग को ट्रेन कर रहा है, उनमें 5 ऐसे निकलेंगे जिनका रिश्ता नहीं चल सकता, और कोई भी बंदा किसी को छोड़ने के बाद उसके बारे में बुरा ही बोलता है, भाई बुरा ही बोलता है। बहुत सारे बंदे हैं मेरे जो रॉइड यूज नहीं करते, वो आयुर्वेदिक सामान यूज करते हैं, मैं बताता हूँ सबको, मैं ठोक के बोल रहा हूँ बताता हूँ, जिनको सामान लेना होता है मैं उनको वो भी बताता हूँ, मेरा काम है भाई वो, मेरा काम है वो। पर मैं इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करता, आप मेरे किसी सोशल मीडिया हैंडल पे ये चीज नहीं देख सकते कि मैं बोलूं ये लो। मैं हमेशा बोलता हूं तब इन चीजों पे जाओ जब तुम्हें लगे तुम समझदार हो चुके हो। हाँ, माथा पकड़ के बैठने से क्या होता, वैसे तुम अल्फा सिग्मा मेल हो, वैसे रोके दिखा रहे हो, मेरे को रुला दो। तू यहां 50 लड़के ले आ, मेरे में मार लगवा दे, हाथ पैर तोड़ दे, मैं फिर भी नहीं रोने वाला। रोने का क्या यार, गलत हुई नहीं, किस लिए रो? मैं साला अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले रहा हूं, मेरे को तुम दोनों से फर्क ही नहीं पड़ता यार। मेरे पास दुनिया भर के स्पॉन्सरशिप के मैसेज पड़े हैं, मेरे पास ब्रांड है जो इतने कोलैबोरेशन के लिए पड़े हैं, इक्विटी ले सकता हूं अच्छी खासी जगह। तुम मेरे को बोल रहे हो स्पॉन्सरशिप नहीं है, कल मेरे को फोन पे बोलता आपके पास तो 40,000 फॉलोअर हैं, 1.5 लाख तो कमा लेते होंगे। भोसड़ी क्या, मेरा 70,000 से 80,000 तेल का खर्चा है, तेरे घर का खर्चा नहीं होगा इतना, औकात की बात कर रहा है। 48 या 49 कुत्ते हैं मेरे पे जिनकी मैं वीडियो नहीं डालता, स्ट्रे सारे, 3 टाइम खिला ले तेरे बस की हो, गाय वाये तो छोड़ तू, चैरिटी छोड़, औकात की बात कर रहा है तू, ऊपर से नीचे तक बिक जाएगा औकात बराबर करते करते। मैं भाईचारे से बात करता हूँ यार, तुम सिर पे चढ़ के मुंह तो नहीं लग जाते हो। अब इसके आ जाएंगे वो टेढ़े मेढ़े बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ भी बोलने लग जाएंगे। भाई मैं एक इंसान के लिए आज तक अगेंस्ट नहीं बोला, एक इंसान के, कोई कुछ भी करता रहे यार, मेरे को कुछ कह थोड़ी रहा है। अगर मैं मन से एक कम्युनिटी में हूं, अगर पावर लिफ्टिंग की वजह से मैं कहीं पे स्टैंड लेता हूं आज मेरी लाइफ में, अगर मैं चाहता हूं मेरे से बचपन में गलती हुई, मेरे को एक स्टेज नहीं मिला, मेरे को डायरेक्शन नहीं मिला, इन बच्चों को मिल जाए जिनके लिए सोच रहा हूं, वही उल्टा सीधा लिख रहे हैं यार। तुम मेरे को ये बताओ, इन लोगों ने आज तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुम्हें कुछ सिखाया? खुद ये मसल टेक का सामान यूज करता है, तुम्हें कहता है यूज माई कोड फॉर मसल ब्लेज। एक चीज है जो दी हो इस कम्युनिटी को, एक चीज, सिंगल एक चीज कि हाँ इस कम्युनिटी में कुछ क्वालिटी बढ़ी हो। 4 दिन पहले बोल दो मैं पावर लिफ्टिंग छोड़ रहा हूं, अब 4 दिन बाद भाई बोल देगा मैं एशियंस खेलूंगा, ऐसे ही सर्कल घूमता रहेगा। के लिए खेलने का मौका मिला उसमें तो तुमने बोल दिया पावर लिफ्टिंग में पैसा नहीं है। पावर लिफ्टिंग में पैसा उनके लिए जो भाई पढ़े लिखे हैं, जिनको अस्थामिन की स्पेलिंग ASTHAMIN होती ना, अस्थामिन, उनके लिए नहीं है। जिनको ये नहीं पता होता ना ग्लूकोज बॉडी वेट तोड़ते टाइम नहीं लगाता और वो उसे लिख देते हैं, उनके लिए है। तेरे पापा ने जिस कॉलेज में पढ़ाया है ना, जिसको तू बोलता है गरीब, 16 लाख रुपए फीस है 4 साल की, अब शायद 18 हो चुकी है, गरीब नहीं पढ़ते उसमें। तेरे भाई की ना कॉल है मेरे पे, क्या बिजनेस है क्या बिजनेस नहीं है, पर मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता। तेरे कितने ओयो बुक कराए उन पे नहीं जाना चाहता, कैसे तू कोलैबोरेट करता है सबके साथ उस पे नहीं जाना चाहता, ये मन्नू कैसी कैसी वीडियो दिखाता है उस पे नहीं जाना चाहता। खींचने में मैं खींच दूं यार 500 टॉपिक लगा के, कल मेरे बारे में कुछ और डाल देगा। अरे भाई मेरे से कुकर्म हुए हो, 500 हुए हो, मैंने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे फॉलोअर्स के लिए क्या करा है? एक गलत मैसेज दिया हो तो बता दो। मैं यहां चाहे साला किसी को
कमेंटिंग ऑन करी है, मेरे को ये बताओ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरे को बस इतना लिखो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सोच के चीज करने की सोचूं, मेरा नंबर लिख करके बहन ऐसे थे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, दो फोन है, तीसरा और ले लूंगा। और बता, तुम मुद्दे की चीज बताओ, तुम सामान लेते हो नहीं लेते, वो चीज बताओ। ड्रग टेस्ट, डोप टेस्ट, 70-70 किलो के वेट लिफ्टर 200 किलो मारते, तुम्हें लगता है ऐसे ही मार देते? एक बंदा 100 मीटर 9 सेकंड में भाग जाता है, ऐसे ही भाग जाता है? मेरी YouTube वीडियो बनाऊंगा भाई, मैं खुद नहीं बनाता इसलिए सुबह डालूंगा, वरना अभी बना देता, मेरे को सोने वोने का कोई चक्कर नहीं होता, ना मेरे को कुछ ऐसा है कि मैं 500, मैं एक इंसान को इस आवाज आ रही है अब फिर से? मेरे को बस इतना बता दो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? साउंड गया, आर्मी सर्व, हमारे लोग लड़े हैं, फैमिली की बात चोद रहा है, मेरा भाई पूरा स्कूल संभालता है, तेरे घर में है कोई इतना पढ़ा लिखा? मेरी एक बहन जज है, तेरे घर में है कोई? नहीं बोला मैं कभी ये चीज, आप बोल रहा हूं, पढ़ ले क्या पढ़ेगा? कह रहा पढ़े लिखे कैसे घर से आते हो, कैसे घर से आते हो? मैं कभी मेरी फैमिली का कुछ डिस्क्लोज नहीं करता यार, एक सिंगल परसेंट चीजें नहीं डालता, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई हम मैन जो बिजनेसमैन थोड़ी है। विक्की भैया पानी की बोतल भिजवाओ यार, एक लीटर देना, दो मत देना। मैं कुछ भी कि हाँ, और भाई से कोई रिकॉर्ड कर देना, कुछ नहीं पता ये साले अकाउंट उड़वा दे मेरा। अरे एक लीटर ला, दो का क्या करूंगा? तुम्हें केमिकलों के नाम तो पता नहीं है, तुम बच्चों को प्रोटीन ऐसे चिपका रहे हो कि कुछ भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे यार भाई आजा, आज पानी पीऊं यार, एक सेकंड रुक ला, आ रहा हूं मैं तुझे। अब ये भी फ्रॉडियों की बात कर रहे थे, ये भी फ्रॉडी। ओए ये किंटी पिंटी मत दे, किन ले देना, लग रहा है ये भी लाइव देख रहा था। एक सेकंड रुकना भाई साहब, मेरा तो मन कर रहा है यही पी लूं, ऐसे ही तुम सबका होता है ना, कुछ नहीं कोई नहीं दिख रहा तो इन्हें देख लो। ये देख के तो देख रहे यार, कोई बात नहीं, सॉरी का सॉरी, जिन्हें बोलनी चाहिए वो बोलने, बढ़िया लगता है। ओ पैसे भी देने थे, ओ रजत ने तो फ्रॉड कर दिया, पानी वाले को पैसे नहीं दिए, 7 लाख रुपए लेने थे उस भाई से जिसको 6 लाख देके बैठा हूं, जिस बंदे ने फ्रॉड करा था ना, सन्नी के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, जतिन भैया जतिन भाटिया उनके साथ हुआ था, उनके क्लाइंट के साथ हुआ था। पर छोटे छोटे पैसों के चक्कर में हम क्या अब अदालतों में डोलते रहे? मुझे पता है भाई घर के लोग हैं, उस चीज में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अबे यार कम से कम तू ये चीज देख, मैंने स्टैंड लिया उस टाइम, तेरा सारा सामान लगवाया, तेरी पेमेंट करी, उस भाई को फेम चाहिए वो आ गया बीच में। अरे पानी मंगवाया था, पिया ही नहीं। ये झूठी झूठी फेक स्माइल दिखा के कुछ नहीं होता, तुम कूल नहीं बनते भाई कि सामने वाले बंदे को ले गया।
मैं लेके जाऊं उन लड़कियों को जिनके साथ तू टेढ़ी मेढ़ी चीजें करता है, तीन कॉन्फ्रेंस में थी कल, पर दूसरे की बहन बेटियों को मैं अपने मुद्दे में क्यों उछालूं? तू किसी के साथ 5 साल से रह रहा है चूतिया बना के लिव इन में, डालना बहन चोद, वही सेम लड़की है ना जिसके भाई ने आके गोली चलाई थी कॉलेज में, फिर कहते का बंदी पे जाते हो, जब तू खुल के हर चीज पे जा रहा तो मैं भी जाऊंगा ना भाई। स्टैंड लेना ही नहीं आता भाई किसी चीज के लिए, तुम साले किसी के सगे ही नहीं हो, तुम अपने लोगों के सगे नहीं हो, तुम मेरे क्या सगे होगे? मेरे को बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला भाई ये काम करने के लायक नहीं है, काम करने के लायक नहीं है। अरे यार पैसा सबको कमाना है, हमें भी कमाना है, थोड़ा बहुत नहीं कमाना, बहुत कमाना है, पर किसी के आने दो, सबको एक साथ आने दो, अगर 1000 लोग खेल रहे हैं ना कॉम्पिटिशन, उनका 2 बंदों का डोप टेस्ट होता है। अगर मैं बोलूं चलो मैं डोप टेस्ट ले रहा हूं सबके, मैंने ले लिए और मैं रिपोर्ट में सबको पास कर दूं, फिर जिस फेडरेशन पे साला तंबू लगा लगा के कॉम्पिटिशन कराने के पैसे नहीं है ढंग से, मैंने मेरे हाथों से लगाए हैं, मैं खुले में थोक के बोल रहा हूं, इन हाथों से लगाए हैं और मुझे पता है स्टीरॉयड में और बाकी चीजों में फर्क क्या होता है, इसलिए स्टैंड ले रहा था अपनी कम्युनिटी का। मेरे को मतलब नहीं है अगर बाहर की कोई बंदा, नॉर्मल बंदा मेरे को इसमें कमेंट करता है, मेरे को खाली ये चीज था जो बहन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ाई धड़ाई छोड़ के इनकी बकचोदियों में घुसे, मैं चलो खुल के बोलता हूँ ये चीज, धर्म का नाम बोलते हो ना, आज भी कृष्ण जी लगा रखे थे, भगवान जी ने बोला है, 36 तरह की बुराई है, रिस्पॉन्ड नहीं कर, तुम कल हनुमान चालीसा सुना देना बिना रुके, बिना एडिट करे, आंख बंद करके कि कहीं से देख नहीं रहे, मेरे से सुन लेना, जिस भगवान का जो सुनना हो वो सुना दूंगा और लाइव मैं सुना दूंगा, मैं तो कहीं नहीं ड्रामे पेलता, जो चीज चल रही है चला लो, गालियां बकते रहो वैसे और वैसे राम राम करते रहो भाई। 2 लोगों की आंख होती है, एक इंसान की 2 आंखें होती हैं, इतना दिखता है यार क्या चीज असली है क्या चीज नकली है। मम्मी को ले आओ, पापा को ले आओ, 36 ड्रामे करो, वो तुम्हारा अपना हैंडल है ठीक है, करो तुम्हारी अपनी चॉइस है करो, वो मम्मी पापा भाई वो ही है जिनके आगे तू भागा था बेंच छोड़ के, और वो मैं ही था जो तेरे को लेके आया था कि भाई कम से कम खेल ले, एक मेडल तो होगा तेरे घर वालों के हाथ में। स्क्रीनशॉट्स डालूंगा इसकी मेरी चैट के सारे, कितना प्यार से ट्रीट करा, छोटी छोटी चीज बताई, और भाई तुम ऐसे इंसान के साथ ये वसूली कर देते हो, मेरे साथ ही ऐसी वसूली। मेरे साथ बंदे ने बिजनेस खोला 3 या 4 तरह का, उन्हें 6 लाख रुपए उसमें मैंने इन्वेस्ट मारे, आउट ऑफ नोवेयर इसने मेरे को ब्लॉक मार दिया, मैंने वो चीजें आज तक नहीं डाली, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, सही है तूने उस टाइम निकाल दिया, कल को वो लाखों करोड़ों का काम हो चुका होता तब तू करता तो पैसे दिक्कत होती। तू यार अपने लोगों का तो सगा है नहीं, तू मेरा क्या सगा होगा ना, मैं कम से कम किसी को यार दोस्त बना के घूमता तो नहीं रहता ना कि तू भी मेरा तू भी मेरा और बाद में उन्हीं के साथ लड़ता रहूं। एक इंसान दिखा दे जो मेरे साथ रहा हो और जिससे मैं लड़ाऊं। जो इंसान अपने पार्टनर का नहीं है ना और अपने घर वालों का नहीं है वो साला किसी का सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, जो अपनों का सगा नहीं है वो किसी का बच्चों को लगता है तुम्हारे लिए कुछ करे, कब करेगा? आज तक कभी तूने ये बताया तू पूरे दिन खाता क्या है? हाँ चलो वीडियो बना दी ठीक है, बच्चों को बताना क्या खाना है, तेरे को खुद नहीं पता तू क्या किसी को बताएगा, एक 8वीं फेल तेरे से फालतू पढ़ा लिखा है, डीफेम कर रहे हैं डाल के। अरे भाई एक बंदे के बारे में तुम 100 लोगों से पूछोगे ना 40 तरह की 40 उल्टी सीधी बात आएंगी, 10वीं 11वीं मैंने पूरी बंक मारी है जब पता कर ले तो बोल दे कि मैं अनपढ़ हूं मैं आवारा था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जेल में पड़े हैं तो बोल दे मैं क्रिमिनल हूं, मेरे पे एक केस नहीं है, कैसा ही केस नहीं है, विकास ने मेरे ऊपर डाला 7,66,000 रुपए का, हमने सीधे पूछा कितने रुपए देने हैं, कहता 6 लाख में सेटलमेंट कर दो, 6 लाख रुपए के ना चेक ऑन द स्पॉट रख दिए थे, और तेरे तू वही बंदा है जिसने 8,000 रुपए देने थे अक्टूबर के, उसके भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अगर कहेगा तो, वो भी 2.5 महीने में दिए थे,
गलीच पने की हद होती है। जीएसटी नंबर है इसका मेरा साथ में बिजनेस करते हुए का। पता नहीं यार कैसे लोगों, अगर एक आदमी सच बोल रहा है तो सीधे बोल दे यार आगे से नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तुम साला उसमें अटक भी रहे हो, लोगों को झूठ भी बोल रहे हो, दूसरे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। भाई सामने वाला भाई मैं नहीं हटने वाला कहीं, और कह रहा है कुछ होगा तो मैं नहीं करवा रहा तेरे पे कुछ, मैं नहीं करवा रहा तेरे पे कुछ। मुझे करवाना होता ना तो जहां मन्नू रहता है ना, कराला गांव है उसके पास में, वो मेरा ही गांव है मम्मी का, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट दूर है, 15 मिनट होगा रास्ता खाली हो तो। भेजने में कुछ भेज देता मैं अभी भी भेज सकता हूं, एक फोन मिला ना 6 मामा है मेरे। मैं तो नहीं बोलता ये चीजें पब्लिकली। मैं उस दिन आया था एक बंदा मेरे साथ था, मैं तो कोई फौज लेके नहीं आया, मैं किसी के घर पे जा रहा हूं यार, मैं लड़ने जाऊंगा? तुम तो ऐसा प्रिटेंड करा रहे हो भाई, ये लड़का तो पता नहीं क्या ही है। एक बंदा तो दिखा मुझे पूरी कम्युनिटी में जिससे मेरा जूता बजाओ, जिसमें मैंने हाथ छोड़ा हूं। तू एक बंदा ऐसा ही दिखा दे जिसके साथ घूमता हूं, हर रोज किसी के साथ खाने नहीं बैठ जाता टेबल पे। बच्चों को झूठ बोल रहे भाई, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, टॉपिक ये था कि क्या तुम लोग नेचुरल हो कि नहीं हो, और मुझे इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता कोई है कि नहीं है, हो तो रहो पर कम से कम भाई बच्चों को तो चूतिया मत बनाओ। तुम्हें लोग देखते हैं अच्छी चीज है, एक डंबल प्रेस के लिए तो तुम 8-9 मिनट की वीडियो बना देते हो, उसमें 9 मिनट में 2 मिनट डाल दो ना कि करना कैसे होता है, कैसे ग्रिप होती है, कहां एल्बो होती है, कहां लेट, तुम्हें खुद नहीं पता, एक कंधा नीचे एक कंधा ऊपर है, डाल दियो वो चीज भी। अपनी बॉडी संभल नहीं रही, दूसरों की क्या घंटा संभालोगे। इस भाई के कोच को मैंने फोन करा, उसने सीधे मना कर दी। मैं बहुत सारी चीजें बोल भी नहीं सकता जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो तेरे कोच ने ही बताई थी औरों को, दूसरों की रिपोर्ट भेज रहे हैं अपने कोच पे, देखना इसकी ये प्रॉब्लम है इसकी ये। बहुत पढ़े लिखे हैं आपके कोच, बहुत इज्जत है, असल में पढ़े लिखे हैं, जो कहते हैं ना पढ़ा लिखा हो ना। मैंने इस बंदे को कोचिंग नहीं दी, कुणाल बोलता है मैंने उसको कोचिंग नहीं दी, मैंने उसको कोचिंग दी थी, वो स्क्रीनशॉट भी डालता, ना टाइम से पेमेंट कर रहा था ना कुछ, बाय बाय टाटा। पता नहीं यार तुम्हारा कॉन्ट्रोवर्सी से काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जब तूने स्टार्ट नहीं करी थी ना तब 300 से पार मारता था, और वो भी कन्वेंशनल 84 किलो पे, पर उस चीज का कभी घमंड नहीं करा। मेरे को कल बोलता है 479 डॉट ही तो है, तेरे तो वो भी नहीं है। मेरा तो हाथ टूटा पड़ा है भाई उल्टा वाला, उसके बाद मैं चीची पीपी नहीं करता, तुम्हारे एक खाल फट जाती है उसके ऊपर तुम। फ्रेंड्स आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, आई विल डू समथिंग, यू विल डू समथिंग। एक आदमी एक्टिंग कर रहा है, सही बोल रहा है, इतना ना लोगों को समझ आता है कौन सही बोल रहा है कौन एक्टिंग कर रहा है। मैं स्क्रिप्टेड घंटा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा ना करता, कोई वीडियो उठा लेना यूट्यूब कुछ मेरे में जैसा है वो है, खत्म बात। मैं भी बहुत कुछ ऐसा दिखा सकता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स को ले, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरा यूट्यूब का मेरे को पासवर्ड तक नहीं पता, मेरे फोन में साइन इन तक नहीं है, मेरे पे टाइम ही नहीं है यार, पूरे दिन ट्रेवलिंग होती है इधर से उधर काम के चक्कर में। एक बंदा बोल रहा है मैं पूरे दिन सोता रहता हूं, खाता रहता हूं, ट्रेन करता रहता हूं। भाई जब तू सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ट्रेन कर रहा है, तो तेरे को स्टेमिन की क्या जरूरत है, तेरे को कैल्शियम की क्या जरूरत है भाई। मैं कल वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं कर दूंगा हाथ खड़े, ना मैं जा रहा रांची, ना मैं किसी से रख रहा लेन देन, इनका कुछ नहीं भरोसा। मां साले चार लड़कियां खड़े करते, कहते रजत दलाल पे रेप केस, गिरने वाला तो किसी अपनी कर रहे बहन चोद, किसी भी हद तक गिर सकते हो भाई। अगर तुम इतनी गंदी गंदी चीजें उठा रहे हो, जिस बंदे के साथ तूने लाइव डाला उसने 2 साल 10 महीने 9 महीने बाद केस करा था मेरे पे, और वो भी क्यों करा था, एक लड़की को एक कोच हरास कर रहा था, और वो मैं बचाने चला गया था बेंगलोर, वो चीज डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं इसकी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करना चाहता। तू ये बता तूने लिया नहीं लिया, खत्म बात। देहरादून में प्रॉप मैंने तेरे लगाया, मन्नू के प्रॉप मैंने लगाया राइट वाले चूतड़ पे, बताई कॉम्पिटिशन से पहले एक्वाविरॉन लगाया, पेन किलर लगाया, इंसुलिन लगाया, सब कुछ ले लो, फिर क्या तो मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भी बोल देता हूँ मेरे तो पता ही नहीं था, मैं तो पेट पे चल रहा हूँ, फेट तमिल को मिले गुलू जी पे,
इतना अनपढ़ कोई नहीं है भाई अपने शरीर में कुछ भी ऐसे ही डाल देगा, कोई भी अपने शरीर में कुछ भी ऐसे नहीं डाल सकता भाई। अगर एक गोली भी खाते हैं ना तो पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। तू नसों में इंजेक्शन लगा रहा, तू गूगल नहीं करेगा? इसकी अंधी जनता जो है, जो भी उल्टे सीधे कमेंट कर रही थी, जीरो पोस्ट, एक पोस्ट, दो पोस्ट, अरे भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, मेरा घर आधे फरीदाबाद को पता होगा जो जिम जाता है, किसी से पूछ के आ जा। दिल्ली में रहते हैं बहुत सारे लोग तेरे, भेज दे किसी को। जब भाई मैं कोई चीज गलत ही नहीं बोल रहा, मैं किसी को डिफेम ही नहीं कर रहा, कुछ भी एलिगेशन उल्टे नहीं लगा रहा, जो मेरे सामने की चीज है वो बोल रहा हूं ना। अगर मैं पीठ पीछे की चीजें बोल रहा हूं तो समझ आता है कि हां मैं झूठ बोल रहा हूं। तू टॉपिक से डाइवर्ट करके विकास को ला रहा है लाइन पे, मम्मी का लेकर ट्रंप कार्ड कर रहे हो, रो रहे हो। मैं ये भाई, मेरे को भी दिक्कत हुई थी। जो बंदे मेरे इस पे हैं पेज पे, चार साल पांच साल पहले मैं सुबह 4 बजे उठ के जाता था, 50-50, 60-60 किलोमीटर पूरे एनी टाइम में सब में बहनता, 8 बजे मैनेजमेंट आता था, उससे पहले करके निकल जाता था। मैं तो उस चीज का गाना नहीं गा रहा, हमने भी सफर करा है भाई, भरे पानी में ट्रेन करा बेसमेंट में। जब लॉकडाउन में तुम सब भाना रो रहे थे ना, ड्रामा रो रहे थे, जिस दिन लॉकडाउन लगा था ना उसी रात को सारा सामान ले आया था, क्योंकि करनी थी चीज, बाने नहीं दिए भाई कभी। पिछले 9-10 साल जितने भी है, 28 नवंबर 2013 से कभी ऑफ नहीं लिया, कंसिस्टेंट है। हाथ टूटे, पैर टूटे, कुछ टूटे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो नहीं बोलता कि मैं ये छोड़ रहा हूं, मैं बोलता ही नहीं यार कुछ भी। मेरे से ऊपर ऊपर के बहुत लिफ्टर हैं असल में हैं, और बहुत इज्जत है उनकी। तू कहीं स्टैंड नहीं करते तुम दोनों, तुम कह रहे हो मेरे को तुमसे प्रॉब्लम है। दिल्ली वाले भाई की 300 डेड नहीं पहुंची आज तक, जब बालक था ना मैं तब मार रहा था, 250 का स्क्वाट नहीं है उसका। जान जान की चीजें करता हूं, कर लो जो मेरी ट्रेनिंग है। कल एक वीडियो डालूंगा, मुंह तो निकल जाएगा करने में, 42 सेट मारे बिना रुके, 30-30, 20-20 सेकंड का गैप लेके, सांस चढ़ जाएंगे तुम्हारे। पर मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बोलता ना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। पानी चाहिए यार, माथा गरम। तुम कुछ भी बोल देते हो यार किसी को मुंह उठा के। बात करते करते ही यार एक छोटी सी चीज है, कोई भी बंदा कुछ कर रहा है अपनी फैमिली के लिए कर रहा है ना, या किसी बाहर वाले के लिए कर रहा है। दुनिया भर की दारू तुम पीते हो, सिगरेट तुम पीते हो, बहन से बच्चों को कुछ सिखाना, अच्छा खाओ, ये करो वो करो, पार्टी कर रहे हो क्लबों में, लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा डाल रहे हो। तुम्हारे घर में भाण बेटी नहीं है? भाण बेटी नहीं है क्या? मन्नू की तो हरकत है, मैं क्या बोलूं अब ना। दिल्ली वाले भाई सारे सबको पता होगी, जो अक्टूबर में नेशनल गए थे सबको पता होगी, अपनी बंदियों के साथ सेक्स करते करते पीछे से वीडियो बनाता है भेड़ चोद। एलिगेशन नहीं लगा रहा भाई, मेरी वो आदत नहीं है कि किसी पे झूठ बोलूं। इतना गया गुजरा नहीं हूं कि ये उल्टी सीधी इतनी इतनी गंदी चीजें मैं ऐसे बोल दूंगा। भेड़ चोद, गुस्सा आता है ये चीजें सोच सोच के। लोगों के बटर हो जाते हैं, लड़कियों के कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है तब तुम रोध होते दे रहे हो, अपनी हरकतें नहीं देखते। तुम्हारे घर में बहन तो होगी नहीं, मम्मी तो होगी नहीं भाई। खून खोलता है, किला समझती है जिस हिसाब की तुम हरकत करते हो और फिर दिखाते हो। और कोई और ना स्टैंड लेता मैं लूंगा और एंड तक लूंगा। एक कल वीडियो अच्छे से डालूंगा और तुम में से कोई मेरे को हाथ लगवा के दिखा देना, जेड सिक्योरिटी लेके घूम लेना, उसके बाद और बताओ। मैं तो कुछ नहीं करने वाला, अभी कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। करने में मैं इतना भी कर सकता हूं, कल भाई चिंगा जी आपके घर भी पहुंच सकता हूं, पर मैं क्यों करूं भाई? मेरी फैमिली में एक इंसान को नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तेरे भाई का फोन आ गया, तेरे पापा का फोन आ गया, मम्मी परेशान है, मन्नू की मम्मी बात कर रही है। अबे तुम किस बात के आदमी हो, किस बात के घर संभालोगे? अगर तुम छोटी सी बात पे अपने माँ बाप को स्ट्रेस दे रहे हो, तेरा भाई बोल रहा है यार मेरे भाई को छोड़ दो। अरे मेरे भाई, मैंने थोड़ी पकड़ा है तेरे भाई को, तूने क्यों मेरे को फोन करा? तेरे भाई ने मेरे को क्यों फोन करा? तूने वीडियो बनानी थी, बना ली, क्या उखाड़ लिया? मैंने चाहे 36 चीजें उल्टी करी हूं, मैंने सोशल मीडिया पे